हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि हमारा दिसंबर 2019 का ई सर्टिफिकेट आ गया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, और हमें उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि इतना जल्दी ई सर्टिफिकेट NTA नेट दे सकता है, क्योंकि नॉर्मली 3 से 4 महीने लग जाते हैं ई सर्टिफिकेट आने में। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इतना जल्दी हमें ई सर्टिफिकेट दे दिया है, तो इसको हम अपनी अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में, जॉब वगैरह में। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ई सर्टिफिकेट दिसंबर 2019 का हमें किस तरह से डाउनलोड करना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको नॉर्मली गूगल के अंदर टाइप करना है NTA नेट। NTA नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करनी है दोस्तों। तो इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, NTA नेट लिख देना। इसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाए, ये हमें ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे। ये देखिए ई सर्टिफिकेट एंड JRF अवार्ड लेटर फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ UGC नेट जून 2019। देखिए दोस्तों यहाँ पे जून 2019 लिखा गया है, लेकिन इसी के अंदर आपको दिसंबर 2019 का मिलेगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा ई सर्टिफिकेट का, तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, इसके ये पेज ओपन होने में टाइम लग सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है, और काफ़ी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप 2-3 बार ट्राई करना, ये पेज ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होगा। ये देखिए इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन एरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैसे रोल नंबर आप ये देख सकते हैं, ये रोल नंबर है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे मंथ डालना है, फिर ईयर डालनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिसंबर 2019 और जून 2019, इसमें से हमें दिसंबर 2019 से सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में कैप्चा कोड ये देखिए दोस्तों, ये है ना 761193, ये हर बार चेंज होता रहता है, तो वो हमें यहाँ पे डालना है। वो डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमारे सामने ई सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, और वो ई सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी मेल आईडी पे डाल लेना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेल आईडी पे ज़रूर डालना। ये लिंक कब तक काम करे कोई कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 1 साल के बाद में ये चला जाए ये लिंक, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम। तो वो आप ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसका लेमिनेशन करवा के घर में रख लेना, और एक जो कॉपी है ईमेल आईडी पे आप ज़रूर डालना, ताकि आप उसको कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकें। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया कि जो रोल नंबर है वो 10 डिजिट का होगा, और जो एप्लीकेशन नंबर है वो 12 डिजिट का होगा। तो आप थोड़ा ध्यान से ये करना। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कई बार आपको यहाँ पे एरर नज़र आ सकता है, ठीक है, तो आप बार बार ट्राई करना। इसमें कई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसके अंदर सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप निराश मत होना, दोबारा ट्राई करना, बार बार ट्राई करना, आपका ज़रूर डाउनलोड हो जाएगा ई सर्टिफिकेट। और किसी भी दोस्त को ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।